हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। मैथ्स की चैप्टर 3 एडिशन सीखेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडिशन सीखेंगे एक पोएम के माध्यम से, ठीक है? तो क्या लिखा है? वन लिटिल पैरट सिंगिंग आई लव यू एंड मोर जॉइन इन मेकिंग देम टू। एक छोटा पैरट है जो बोल रही है आई लव यू, उसके साथ और एक पैरट ज्वाइन किया तो कितना हो गया? 1+1 2। अभी 2 हो गया तो क्या लिखा है? 2 लिटिल पैरट लिसनिंग ऑन ए ट्री। 2 लिटिल पैरट पेड़ पे रेस्ट कर रहा था। 1 मोर ज्वाइन इन मेकिंग देम 3। 2 था, उसके साथ और एक ज्वाइन कर लिया पैरट, तो कितना हो गया? 3। अभी क्या है पोएम में? 3 लिटिल पैरट्स लुकिंग फॉर मोर, 1 मोर ज्वाइन इन मेकिंग देम 4। 3 लिटिल पैरट्स था, उसके साथ और एक ज्वाइन कर लिया, कितना हो गया? 4। अभी 4 लिटिल पैरट्स वांटिंग टू डाइव, 1 मोर ज्वाइन इन मेकिंग देम 5। 4 लिटिल पैरट्स था, उसके साथ और एक ज्वाइन कर लिया, तो कितना हो गया? 5। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ एक बार पढ़ो। 1 लिटिल पैरट सिंगिंग आई लव यू, 1 मोर ज्वाइन इन मेकिंग देम 2। 2 लिटिल पैरट रेस्लिंग ऑन ए ट्री, 1 मोर ज्वाइन इन मेकिंग देम 3। 3 लिटिल पैरट लुकिंग फॉर मोर, 1 मोर ज्वाइंस इन मेकिंग देम 4। 4 लिटिल पैरट wanting to dive, 1 more joins in making them 5। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हेडिंग पे क्या लिखा है? हाउ मैनी ऑल टूगेदर। तो देखो इसमें कितना काउस है? 2 काउस है और एक काउस ऐड हो गया। 2 काउस था और एक ऐड हुआ, तो कितना हो गया? टोटल 3। अभी नेक्स्ट, 3 चिल्ड्रेन है, 2 जन ऐड हुआ, ठीक है? चिल्ड्रेन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रेन। 3 था, 2 ऐड हुआ, अभी टोटल 5 चिल्ड्रेन हो गया। अभी कितना फ्लावर्स है? 1 2 3 4 5। तो आप इसमें क्या लिखोगे? 5। और कितना अभी ऐड हुआ? 2, तो इसमें लिखोगे 2। तो टोटल कितना हुआ? 5+2 7, ठीक है? अभी नेक्स्ट, कितना बार्ड्स है? 4 बार्ड्स। अभी कितना है ऐड हुआ? 1 2, तो कितना हो गया? 4+2 4 के बाद 6 7। आप हमेशा उंगली पे काउंट करने का कोशिश करोगे, ठीक है? 4 के बाद 5 6, ओके। आप फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं फोटो देखकर, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अभी देखो कुछ शार्ट से कितना? 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा है? 6। 2 ऐड हुआ, कितना हो गया? 6+2 7 8। ये देखो टोटल कितना है? 8, ठीक है? हम लोग काउंट कर लेते हैं फोटो देखकर, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट, कितना टमाटो है? 1 2 3 4 5 5 है, इसमें कुछ टमाटो का फोटो है नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 0। फिर टोटल कितना हो गया? 5+0 कुछ है नहीं, तो क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा, ओके। अभी नेक्स्ट, एंड से कितना है? 4। 2 ऐड हुआ, कितना हो गया? 4+2 6। 4 के बाद का नंबर से आपको काउंट करना है 5 एंड 6, आपको उंगली पे काउंट करना है, तो कितना हो गया? 6। नेक्स्ट, 2 बुक है, बुक्स है, इसमें कुछ बुक्स है नहीं है, तो ये बॉक्स में क्या आ जाएगा? 0। तो 2+0 कितना हो जाता है? 2 ही हो जाता है, तो इसमें बॉक्स में क्या लिखोगे? 2। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54, इसमें क्या लिखा है? हाउ मनी ऑल टुगेदर। देखो ये बिल्ली के पास कितना फ्लावर है? 4 फ्लावर्स है ये, और कितना ऐड कर रहा है? 1 2 3। 4+3 कितना हो जाता है? 7, ठीक है? दोनों मिलकर एक फ्लावर बस में फ्लावर्स रखा, तो टोटल कितना फ्लावर्स रखा? 7। अभी देखो
बिल्ली है, वन टू, बिल्ली नहीं पप्पी है, वन टू थ्री फोर, तो बॉक्स में फोर, कितना पप्पी से है, टू, फोर प्लस टू कितना हो जाता है, फोर के बाद काउंट करो फाइव सिक्स, तो बॉक्स में आ जाएगा सिक्स। आप पहले आप उंगली में ऐड करोगे, फिर फोटो के साथ काउंट करके मैच करोगे। फोटो देखकर आप मैच मत करना, मतलब फोटो देखकर आप इसमें बॉक्स में मत लिखना, ठीक है। पहले आप उंगली पे काउंट करोगे, बॉक्स में लिखोगे, फिर फोटो के साथ मैच करोगे आपका आंसर सही हुआ कि नहीं, ठीक है, तो ही आप काउंट करना सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके हाथ पे देखो कितना मार्बल्स है, फोर, इनके हाथ पे फोर, फोर प्लस फोर कितना हो जाता है, फोर के बाद काउंट करो फाइव सिक्स सेवन एट, तो कितना आ गया टोटल एट। अभी नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, फोर प्लस टू लिखा है तो आप कैसे करके ऐड करोगे, वन टू थ्री फोर, टू का फाइव सिक्स, बॉक्स में आएगा सिक्स, ओके। आप ऐसे करके भी कर सकते हो, छोटा छोटा बिंदी लगा कर, नहीं तो लाइन खींच कर रख सकते हो, फिर वो लाइन को टोटल कर सकते हो, ठीक है। फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव, और ये साइड पे वन, फाइव प्लस वन कितना हो गया सिक्स। फिर नेक्स्ट थ्री डॉट प्लस सिक्स डॉट एट कितना हो गया टोटल नाइन, बॉक्स में लिख कर दिया मैं नाइन, ठीक है। अभी सेवन है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन प्लस ज़ीरो कितना हो जाता है सेवन। फिर जीरो है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें नाइन डॉटेड से, तो जीरो प्लस नाइन कितना हो जाता है नाइन। राइट साइड पे भी है, फोर प्लस टू, डॉटेड को आप काउंट करो कितना होता है सिक्स। फिर फाइव डॉटेड्स बना लो, वन डॉट बना लो, कितना हो जाएगा सिक्स। नेक्स्ट थ्री डॉटेड्स, सिक्स डॉटेड्स, कितना हो जाएगा नाइन, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेवन डॉटेड्स, और जीरो कुछ है नहीं तो सेवन बॉक्स में नीचे आ गया। ऐसा ही सेम टू सेम नाइन डॉटेड्स बनाने का कुछ ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऊपर ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा नाइन प्लस ज़ीरो नाइन। अभी नेक्स्ट पेज, इसमें देखो ये बॉय के पास थ्री बेलून्स है, गर्ल के पास टू है, टोटल मिलाकर कितना हो गया फाइव बेलून्स। बॉय के पास थ्री है, गर्ल्स के पास कुछ है नहीं, तो कितना टोटल बेलून्स है थ्री। नेक्स्ट ये भी बॉय के पास कुछ है नहीं, गर्ल्स के पास टू बेलून है। अभी बॉय के पास, गर्ल ने बॉय को दे दिया, लेकिन है कितना टोटल, दे तो दिया लेकिन टोटल कितना है टू ही है, क्योंकि गर्ल के पास कुछ है नहीं बेलून्स, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर टू। नेक्स्ट बॉयज के पास फोर है, गर्ल के पास कुछ है नहीं, तो कितना हो जाएगा फोर प्लस ज़ीरो फोर। नेक्स्ट बॉयज़ के पास कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव, गर्ल के पास कुछ है नहीं, तो क्या आ जाएगा फाइव। अभी नेक्स्ट देखो बॉय के पास कितना है, वन टू थ्री, गर्ल के पास कितना है वन टू थ्री फोर, थ्री प्लस फोर कितना होता है काउंट करो, थ्री के बाद वाला नंबर से काउंट करना है, थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स सेवन, तो बॉक्स में क्या आएगा सेवन। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 57, इसमें फ़ोटो देखकर आपको बॉक्स में नंबर लिखना है, फिर दोनों नंबर को टोटल मारना है, ठीक है। तो इसमें क्रैप्स है देखो, वन टू थ्री बंचेस, इसमें वन टू थ्री फोर, फोर थ्री प्लस फोर काउंट करके कितना होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन है। फिर एप्पल्स, वन टू थ्री फोर, बॉक्स में फोर, फिर वन टू थ्री फोर, बॉक्स में फोर। अभी आपको फ़ोटो देख के मैच नहीं करना है, आपको उंगली पे अभी काउंट करना है, ठीक है। फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन एट, बॉक्स में आप एट लिख लोगे, फिर आप फोटो के साथ मैच करोगे सही हुआ कि नहीं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मैच हो गया, मतलब आंसर सही है। नेक्स्ट लेमन्स कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू, फाइव प्लस टू कितना होता है सेवन, ओके। नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
सिक्स लिखोगे बॉक्स में, वन टू थ्री थ्री लिखोगे, फिर सिक्स के बाद सेवन एट नाइन नाइन। अभी हम लोग टोटल करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, मैच हो गया। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में क्या है, ऐड एंड मैच। तो आपको ऐड करना है, वो साइड में देखो राउंड सर्कल किया गया है बॉक्स में, वो सर्कल के साथ आपको मैच करना। थ्री प्लस टू कितना होता है, फाइव। तो आपको देखना पड़ेगा फाइव सर्कल किधर है, ये देखो फाइव, तो फाइव के साथ मैच किया गया है। तो ये तो एग्जांपल है, आपके बुक्स में भी किया हुआ है। फिर नेक्स्ट फोर प्लस टू कितना होता है, फोर के बाद फाइव सिक्स। अब ऐसे साइड पे लिख के रखोगे सिक्स, तो आपको मैच करने में ईजी पड़ेगा। फिर थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन लिखोगे, एट प्लस ज़ीरो एट होता है। फिर सिक्स प्लस थ्री नाइन, टू प्लस थ्री होता, टू प्लस वन होता है थ्री, फिर वन प्लस थ्री होता है फोर। साइड पे हम लोगों ने लिख कर रखा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैच करने में ईजी पड़ेगा। फिर अभी सर्कल को हम लोग काउंट करेंगे, इसमें सिक्स सर्कल है, इसमें सेवन है, इसमें नाइन है, इसमें फाइव सर्कल है, फिर इसमें थ्री है, इसमें एट है और इसमें फोर है। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, थ्री प्लस टू कितना होता है, फाइव, फाइव के पास आया। फोर प्लस टू कितना होता है, सिक्स, सिक्स के पास गया, क्योंकि हम लोग साइड पे सिक्स लिख कर रखे हैं और सर्कल के पास भी हम लोग सिक्स लिख कर रख दिया, तो हम लोगों को पता चल रहा है सिक्स के साथ, सिक्स नंबर के साथ, सिक्स नंबर सर्कल किधर है, ये इजी पड़ रहा है ना। फिर थ्री प्लस फोर सेवन, तो आपको ढूंढना है सेवन किधर लिखे हो। नेक्स्ट एट, फिर सिक्स प्लस थ्री कितना होता है, नाइन, फिर टू प्लस वन थ्री, फिर वन प्लस थ्री होता है फोर। लेफ्ट साइड का तो मैं आपको मैच देखा दिया, राइट साइड में जो बॉक्स है ऐसा करके आप मैच करोगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 59, इसमें क्या है, ऐड। तो टू, दो आपने लाइन खींच लिया, सेवन के ऊपर वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अभी टोटल करो, टू के बाद थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो बॉक्स में नाइन लिखना है, ठीक है, ऐसे ही करके आपको करना है। नहीं तो आपको उंगली पे काउंट करना आ गया तो आप हमेशा उंगली पे काउंट करने के लिए कोशिश करोगे, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट थ्री प्लस फाइव, फाइव के बाद काउंट करो, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट, एट आएगा, फोर प्लस ज़ीरो फोर, टू प्लस टू फोर, वन प्लस थ्री क्या होता है, वन के बाद थ्री टू थ्री फोर, फिर नेक्स्ट फोर प्लस वन फाइव, ज़ीरो प्लस टू कितना होता है टू, थ्री प्लस फोर कितना होता है, थ्री के बाद काउंट करो फोर फाइव सिक्स सेवन, है ना। अब हमेशा उंगली पे काउंट करने के लिए कोशिश करोगे, जब आप देख अगर कर नहीं पाओगे तो ही आप लाइन खींच के करना, नहीं तो आपको उंगली पे काउंट करना आ गया तो आप हमेशा उंगली पे काउंट करने के लिए कोशिश करोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट थ्री प्लस सिक्स, आप ऊपर लाइन खींच लो तीन, नीचे सिक्स, कितना आता है, सिक्स के बाद काउंट करो सेवन एट नाइन, तो बॉक्स में आ जाएगा नाइन। फिर नेक्स्ट फाइव, टू प्लस फाइव कितना होगा सेवन, फिर थ्री प्लस थ्री, थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स, सिक्स आ गया। फिर एट के ऊपर ज़ीरो है मतलब एट नीचे आ जाएगा। अभी नेक्स्ट नंबर थ्री के बाद काउंट करो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो बॉक्स में नाइन। फिर सेवन के बाद एट, बॉक्स में एट, ओके। अभी थ्री के बाद काउंट करो, थ्री के बाद फोर फाइव, बॉक्स में फाइव, फाइव का नीचे ज़ीरो है मतलब फाइव नीचे। अभी फोर के बाद से काउंट करो, फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन, बॉक्स में सेवन, ओके। ऐसा करके आपको ये पेज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज है स्टूडेंट्स पेज नंबर 60, इसमें क्या है, दो बॉक्स दिया है और उसका आंसर फाइव दे दिया, मतलब आपको दो ऐसा नंबर काउंट करना पड़ेगा जिसका आंसर फाइव होगा। तो आप क्या करोगे, पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
हाफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ऐसे करके लिख लोगे, क्योंकि 5 नंबर दिया है मतलब 5 का लेफ्ट साइड भी नंबर ही आएगा। तो देखो इसमें से आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हो, 2 + 3 कितना हो जाता है 5। अभी 7 दिया मतलब इसका लेफ्ट साइड वाला नंबर में से ही आएगा, आपको काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो 4 + 3 कितना हो गया 7। फिर नेक्स्ट 2 + 2 कितना हो गया 4। ठीक है, जैसे मैं आपको सिखाया ऐसे करके आप करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, 8 आंसर दिया गया है, तो आप 5 काउंट करो, 5 के बाद 6, 7, 8, 5 + 3 कितना हो जाता है 8। नेक्स्ट नंबर 4 काउंट करो और 2 कितना होता है 4 के बाद 5, 6, 2 + 1, 3, 6 + 3, 9, 1 + 0 हो जाता है 1। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 3 टेक्स्ट बुक का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप आपके पास जो बुक है टेक्स्ट बुक आप ये कंप्लीट करके रखोगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।